అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ టాస్క్ ఫోర్స్ తరఫు నుంచి ఒక ఇంటర్నేషనల్ డ్రగ్ పెడ్లర్ తరఫ్ एक इंटरनेशनल ड्रग पेडलर क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया और उसके पोजेशन से कोकेन 20 ग्राम्स ऑफ कोकेन 9 एक्सटेसी पिल और भी कुछ चीज की बरामदगी हुई. ये जो अक्यूज है एक नाइजीरियन नेशनल है जो कि जिसके पास से सेलफोन टेप प्रिसिशन वेइंग मशीन 20 ग्राम्स कोकेन और एक्सटेसी पिल जिसे MDMA पिल के नाम से जानते हैं उसका रिकवरी हुआ. आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में 1 ग्राम ऑफ कोकेन का कॉस्ट 330 अमेरिकन डॉलर है. तो ये पूरा रिकवरी 4,65,000 के लगभग का रिकवरी हुआ. ये अक्यूज जॉन पॉल ओनेबुची एलियस युगो चुकवा सन ऑफ रफेल एज 35 ईयर्स फुटबॉल प्लेयर है और पिछले कुछ समय से सैयद नगर रोड नंबर 12 बंजारा हिल हैदराबाद में रहता है. ओरिजिनली ये लागोस स्टेट नाइजीरिया का रहने वाला है और शुरू में 2008 में ये फर्स्ट टाइम इंडिया केरला स्टेट में आया और उसके बाद 2015 से हैदराबाद से इसका लिंक है. हैदराबाद से ये रेगुलरली गोवा भी जाता था और वहां नाइट क्लब्स पब्स कोकेन में कोकेन गांजा और ये सब चीज का एडिक्शन इसको हुआ. 2016 में पहली बार ये मापुसा पुलिस स्टेशन गोवा में अरेस्ट हुआ गांजा सेलिंग के क्राइम में और 25/7/2016 में ये अरेस्ट हुआ था. ये केस अभी गोवा में पेंडिंग ट्रायल है. उसके बाद एक पासपोर्ट एक्ट का केस भी उसके ऊपर हुआ. बाद में ये 3 मंथ के लिए सिंपल इंप्रिजनमेंट का पनिशमेंट सजा भी इसको मिला. जेल से बाहर आने के बाद यह हैदराबाद में जवाहर नगर यापराल मेचल के आसपास भी रहता था और अपना कोकेन स्मगलिंग कोकेन सप्लाई का काम फिर से शुरू किया. इसमें एलबी नगर में भी उसके खिलाफ एक केस बुक हुआ एनडीपीएस एक्ट में और एक फॉरेनर्स एक्ट में भी उसका केस हुआ. इसमें 7 ग्राम्स ऑफ कोकेन पहले भी उसके पास रिकवर हुआ था. 11 मंथ्स इंप्रिजनमेंट के बाद 28 जून 2018 को ये जेल से बाहर आया.